द फाइल्स ऑफ यंग किंदाची देखने बैठा था। पहली नजर क्या इसकी मेन कैरेक्टर शिनोसुके मिशिदा के ऊपर। अरे इसे तो मैंने पहले कभी देखा है। कहाँ देखा है या याद आया, 2021 में एक BL ड्रामा आया था। क्या नाम था उसका, यस माय लव मिक्स अप। इसमें तो इस लड़के ने एक गे बॉयफ्रेंड वाला किरदार निभाया था। लड़की के रूप में क्या मस्त लग रही थी। वैसे जापान एंड कोरिया में पता नहीं लड़के आज दिन के दिन क्यों लड़कियों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया है। चलो हमें क्या, बात करते हैं फाइल्स ऑफ यंग किंदाची के बारे में। पहले तो इसे एनिमे टाइप बनाया गया था, डिज्नी वाला सिर्फ इसका रीमेक वर्शन है। बट एक बात मुझे कहनी पड़ रही है, जापान में क्या अच्छी कैमरा नहीं है? सोनी निकॉन कैनन का देश में अगर ऐसी कैमरा क्वालिटी का हाल हो तो कैसे चलेगा? बट कैमरा वाला एंगल अगर हटाया जाए तो ओवरऑल सीरीज डिटेक्टिव स्टोरी के रूप में काफ़ी अच्छा किया है। ओवरऑल इसके 10 एपिसोड है। पहले वाला एपिसोड शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट बाकी के एपिसोड धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं। एटलीस्ट सीरीज अगर कोई देखना चाहते हो तो उसे ऐसा ही लगेगा। देखो द फाइल्स ऑफ यंग किंदाची डिटेक्टिव स्टोरी नहीं बल्कि साथ साथ एक लव स्टोरी के ऊपर भी फोकस किया है। क्योंकि देखो कितने बड़े भी डिटेक्टिव होना है तो 17 साल की ही लड़का एंड इस उम्र में सबको प्यार होता ही है। तो इन्होंने एज ए स्टोरी सिर्फ मर्डर वाला एंगल नहीं बल्कि साकी जैसे दोस्त एंड नानासा जैसी लड़की को भी एक अच्छे से यूटिलाइज किया है, जिससे कि सीरीज डिटेक्टिव कहानी नहीं बल्कि एक फैमिली स्टोरी बन गया है। बट इस सीरीज में सब कुछ अच्छा है ऐसा भी नहीं। एक कमियां जो इस सीरीज में है कि बहुत ही ज्यादा मर्डर रिलेटेड मिस्ट्री दिखाना। किंदाची जहाँ पे जाता है वहाँ पे मर्डर होता है, ऐसा लॉजिकली सोचे तो पॉसिबल नहीं। किंदाची अगर घूमने जाता है तो फिर भी मर्डर हो जाता है। मानता हूँ कभी कभी कि ऐसा होना इज नेचुरल, बट फिर भी दो चार केस अगर डकैती चोरी ऐसे दिखा देते तो बहुत ही अच्छा होता। किंदाची सीरीज के सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसके एक्सप्लेनेशन का तरीका। एक डिटेक्टिव स्टोरी में अंत तक डिटेक्टिव को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे उसने मर्डरर को खोज निकाला। किंदाची की हर एक एपिसोड में कातिल को पकड़ने के बाद जिस तरह से किंदाची एक्सप्लेनेशन किया है उसको देखकर मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था। एक स्टोरी है जहाँ पे किंदाची अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कातिल कैसे बिना फुटप्रिंट के आया उसको प्रूव करना था, तो उसने भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन विद साइंटिफिक रीजन किया गया है। IMDb रेटिंग इसका 8 है, तो मुझे लगता है इसका सीजन 2 जल्दी आएगा। जितना मैं इस स्टोरी के बारे में जानता हूँ एंड जितना रिसर्च किया है उससे तो लगता है कि किंदाची का एक जानी मानी दुश्मन है, जैसे शर्लॉक होम्स का नेमेसिस प्रोफेसर मोरियार्टी उस तरह की एक बहुत बड़ी दुश्मन। एंड फाइनली तुम वीडियो के अंत तक आ गए हो, लेफ्ट में देखो मैंने एक और जापानी सीरीज द फैमिली का रिव्यू किया है। कमेंट पे तुम Y और N टाइप कर सकते हो जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें इस टाइप का कंटेंट पसंद है कि नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए खुश रहो एंड देखते रहो।